भूत संरचना के साथ साथ उनको बेसिक सर्विस मिल पाए इस प्रकार का वातावरण प्रोवाइड करना और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक अच्छा माहौल, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, उनको सशक्त करना और उनकी रिक्त पदों की भर्ती जल्दी करना, एक सुनियोजित प्लान के साथ हम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इससे हमारे जवानों का हौसला जरूर बढ़ा है। मित्रों, ढेर सारे सीमा सुरक्षा बल के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्तव्य के लिए, उनकी जो फर्ज है उसके लिए ढेर सारे विद्वान अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, अलग अलग प्रकार के मत होते हैं, मगर मेरे हिसाब से एक सीधा सरल वाक्य में उसको, उनके काम को व्याख्याहित करना है तो मैं इतना ही कहता हूं, सीमा सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके परे किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा, और जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती है वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित है वो राष्ट्र आराम से विकास के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। मित्रों, घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सारी हमारे सामने चैलेंज है। अभी हमने देखा किस प्रकार के सुरंग बनाए गए हैं, ढेर सारी चैलेंजेस है, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी सजगता पर और समयानुकूल बदलाव लाने की उनकी क्षमता पर, ये सारे चैलेंजों को पार कर हम हमारी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हर चीज का जवाब होता है, जब समस्या की जानकारी होती है और उसको चुनौती को सामना करने का हौसला होता है तो समस्या समस्या नहीं रहती, हम उनसे दो कदम आगे रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, बलों की नजर से बचने के लिए सुरंग बनाने का जो काम शुरू हुआ था, अस्ताना यहां बैठे हैं, बीएसएफ ने बहुत अच्छे तरीके से सुरंगें ढूंढकर उसका फॉरेंसिक साइंस की दृष्टि से एनालिसिस कराकर, कितने समय के पहले बनी थी, कितने लोग घुसे होंगे, ये सारी चीजों का एक वैज्ञानिक एनालिसिस कर एक बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा पर्दाफाश किया है और आगे न बन पाए इसके लिए भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। एक पायलट योजना के रूप में CIBMS की जो शुरुआत की है, जो बॉर्डर पर बेहतर निगरानी रखने में बहुत सक्षम है, और तारबंदी जो हमारी बॉर्डर फेंसिंग हुई है उस पर ढेर सारे परिवर्तन भी कर रहे हैं, उसका एक नया मॉडल भी बन रहा है, जिसको काटना या जिसको तोड़ना बहुत दिक्कत होगी, और ढेर सारी चर्चा करने के बाद अब इसको स्वीकृत भी किया गया है। पूर्णतः चैलेंजेस को देखें तो ड्रोन के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में होती है। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए DRDO और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर लेंगे। लगभग सुरक्षा बल ने 15 अरब रुपए के नारकोटिक्स को पकड़ा है, 4.5 करोड़ के सोना चांदी को पकड़ा है, 15 आतंकवादियों को मार गिरा है और लगभग 2000 आतंकवादियों को, घुसपैठियों को पकड़ने का काम किया है। नक्सल विरोधी अभियान में भी पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा सुरक्षा में भी बल ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर हम सब ने इस चैलेंज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सरहद की उस पार से अब भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्निक का भी उपयोग होने की संभावना हो सकती है। ड्रोन के खिलाफ तो हम सारे R&D के प्रोजेक्ट को बहुत बल देकर आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु इसके लिए भी एक दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने पुलिस निदेशकों के 2020 के सम्मेलन में एक सुझाव दिया था।
तो गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। सीमा सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा है, इस पर जोर देते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। अलकायदा के यूपी ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने है। शकील से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्कुल, बड़ा खुलासा क्या हुआ ये भी आपको बता दें। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था मिन्हास। केरल के मलप्पुरम में हुई घटना से ये आया था आइडिया। दरअसल ये आइडिया कहाँ से आया था ये आपको बता रहे हैं। अनानास में गर्भवती हथनी को मारने के तरीके से यह आइडिया आया था। आपको याद होगा किस तरीके से एक हथनी को जो कि गर्भवती थी उसको अनानास खिलाया गया था और फिर हथनी की मौत हो गई थी। उसके बाद बवाल हुआ था पूरे देश में और ये आइडिया इन आतंकियों को वहीं से आया था। तो इस सोच को भी समझना होगा। अलकायदा के यूपी ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि शकील से पूछताछ इस वक्त हो रही है। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। फूड बम बनाने की तैयारी में ये मिन्हास था और ये आइडिया भी समझना होगा कि कैसे आया। अनानास में गर्भवती हथनी को मारने का तरीका उस समय हमने देखा था, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा इसको लेकर देखने को मिला था और इसी से आइडिया लिया जाता है फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था। देखिए काफी लंबे समय से ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी, ये षड्यंत्र रचा जा रहा था और ऐसे में ये आइडिया कहाँ से आया ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जो गर्भवती हथनी थी अनानास खाने के बाद किस तरीके से हथनी की मौत हो गई और ये आइडिया इन आतंकियों को वहीं से आया, यानी कि ये लगातार नए नए आइडिया ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से विस्फोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए, लोगों की जान ली जाए। लेकिन तमाम खुलासों के बाद इनके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है क्योंकि जांच एजेंसियां एटीएस लगातार तार इनके जोड़ रही है, कहां कहां पर इनके तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कहां कहां पर इनका धमाका करने की योजना थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर के पसगवां पहुंची हैं महासचिव प्रियंका गांधी। तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा और महिला उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं से प्रियंका गांधी मिली हैं। रितु सिंह और अनिता यादव के साथ बदसलूकी हुई थी और उन्हीं महिलाओं से मुलाकात करने प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं। इससे पहले हमने आपको ये भी सुनाया था कि जो पीड़ित महिलाएं थी उनका भी ये कहना था कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए और प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंची हैं इन महिलाओं से मुलाकात करने। बिल्कुल, देखिए उस वक्त तमाम सवाल खड़े हुए थे और हर किसी के जहन में ये सवाल आया था कि ये क्या चल रहा है, ऐसे कैसे एक महिला के साथ अभद्रता की जा सकती है, बदसलूकी की जा सकती है। पूरे मामले ने तूल पकड़ा। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी कार्यवाही इस पूरे मामले में हो। लेकिन अब यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि महासचिव है कांग्रेस की, वो लखीमपुर खीरी पहुंची है और इन दोनों ही महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की। देखिए ये तस्वीरें भी जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आपको तस्वीर में नजर आएंगी, ये इन महिलाओं से मिलने पहुंची है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर है। रितु सिंह और अनिता यादव के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा इस तस्वीर में आपको नजर आ जाएंगी, उन्हीं से बात करती हुई नजर आ रही हैं और वो पीड़ित महिलाएं बताती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे उनके साथ बदसलूकी हुई थी और ये भी गुहार यहां से इन महिलाओं ने लगाई कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की गुहार भी इन महिलाओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा से लगाई है। हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों ही महिलाओं से मुलाकात की है और ऐसे में क्योंकि ये पीड़ित महिलाएं और इसको जो तस्वीर सामने आई थी जिस तरीके से बदसलूकी की गई थी हर किसी में आक्रोश था, गुस्सा था। उस वक्त भी ये कहा गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और तुषार दादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार देखिए उस वक्त भी चर्चा हुई थी, गुस्सा था लोगों के अंदर कि आखिर कैसे महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी की जा सकती है, अभद्रता की जा सकती है और अब प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने पहुंची हैं। निश्चित तौर पर देखिए महिला के साथ जो हुआ उसके बाद तो FIR दर्ज कर ली गई और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने उस महिला को बुलाया और अपने ऑफिस में मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके मीडिया के सामने उसका पत्र रखा। लेकिन अब प्रियंका गांधी भी जाकर मिल रही है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि महिला के साथ जो हुआ उसके बाद इस सारी कांड के ऊपर जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की वो राजनीति अब पूरी तरह से शुरू कर चुकी हैं क्योंकि जो आरोपी थे उनके ऊपर FIR लिख दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया था। फिर यहां से लखनऊ से जाकर और प्रियंका गांधी का लखीमपुर में उस पीड़ित महिला से मिलना कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित राजनीति तो है तुषार, लेकिन बैठे बैठे मुद्दा मिल गया ना कांग्रेस को। निश्चित तौर पे बैठे बैठे मुद्दा मिल गया क्योंकि जिस तरह से उस महिला के साथ साड़ी कांड किया गया, उसकी साड़ी की गई, उसके साथ बदतमीजी की गई,
उसके बाद उस महिला के साथ निहायत ही उसको उसके साथ बतेंगे। उसके बाद जिस तरह से जो कांड हुआ, अखिलेश यादव ने उस महिला को यहाँ बुलाया, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी वो महिला, और यहाँ पे मिले। उसके बाद प्रियंका गांधी कर जाकर मिलना, कहीं ना कहीं ये राजनीति दर्शाता है कि फिर से अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्म हो चुकी है, राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश में इस महिला को सामने करके जो कांग्रेस है वो अब राजनीति शुरू करने की कोशिश में, और इसी मुद्दे को भुनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी, कांग्रेस पूरी पूरी कोशिश कर रही है, कह लीजिए। निश्चित तौर से देखिए, ये एक मुद्दा ऐसा है, महिला उत्पीड़न का मामला, महिला से बदतमीजी का मामला, इसको समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है और उसको पकड़ना चाह रहा है। प्रियंका गांधी दिल्ली से आकर लखीमपुर तक चली गई और उस महिला से मुलाकात कर रही है, उससे सांत्वना दे रही है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी दिल्ली से लखीमपुर यहाँ पर आती है और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं, इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का भी आगे रुख कर लेते हैं। लखनऊ से ही ये बड़ी खबर है जहां पर योगी ने देश विरोधी नारों को लेकर एसपी पर हमला बोला है। देश विरोधी नारों पर सीएम योगी का बयान सामने आया है, वोट के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। पाकिस्तानी नारे के पीछे सपा का ब्लूप्रिंट क्या है, ये भी सवाल पूछा है योगी आदित्यनाथ ने। सपा कार्यकर्ताओं ने आगरा में नारे लगाए थे, नारा क्या था, किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, इसको लेकर सवाल भी उठे कि आखिर ये किस तरीके का जुलूस सपा के कार्यकर्ताओं ने निकाला, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ था और ऐसे में वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो कई अहम और गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, शेर आया समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिर कैसे लगाए जाते हैं, ये देश विरोधी नारे आखिर कौन लगा रहा था, ये सवाल भी पूछा गया। यूपी में समाजवाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, देश से गद्दारी, कुर्सी से यारी, क्यों कर रहे इमरान का गुणगान, देश से गद्दारी, वोट बैंक से प्यार, लखनऊ से तय हुई चुनावों की दिशा, योगी ने दिखाया यूपी चुनाव का रास्ता, सत्ता के लालचियों को सुनाई खरी खरी और पूछे दो टूक सवाल, सवाल जिनका नहीं समाजवादियों के पास कोई जवाब, क्योंकि समाजवादियों के लिए तो अब पाकिस्तान है जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। आगरा में समाजवादियों ने जो देश विरोधी नारे लगाए, पाकिस्तान का जो गुणगान किया, वो किसी कार्यकर्ता या छुटभैये नेता की कारगुजारी नहीं थी, बल्कि उनके समाजवादी राजा की सोच थी जिसे आगे बढ़ाया गया। यूपी में समाजवादी सोच को सिर्फ वोट बैंक से प्यार है, 20% वोट बैंक के लिए पूरी जद्दोजहद है, इसीलिए अलकायदा के आतंकी पकड़े जाएं तब भी सवाल उठाएंगे और प्रदर्शन करेंगे तो पाकिस्तान के गुण गाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ये इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में अखिलेश से पूछ लिया कि उनके यूपी प्रेम का ब्लूप्रिंट क्या है, क्या उनके लिए लखनऊ की गद्दी का रास्ता देश विरोध से होकर गुजरता है, और ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि अखिलेश को सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है, देश हित का रास्ता शायद उन्हें नजर नहीं आ रहा, उन्हें तो गैंगस्टर में भी वोट बैंक ही नजर आता है। उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कामकाज है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। पहले कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाए, फिर समाजवादियों ने जनसंख्या नीति पर सवाल उठाए, और अब वोट बैंक को साथ बनाए रखने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर फॉरन लॉटरी में बने रहिए हमारे साथ।